उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को जिला ऊना के कुटलेहट विधानसभा क्षेत्र के गांव बसाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर स्थानीय विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो भी उनके साथ विशेष रूप से मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री ने कुटलेहट विधानसभा क्षेत्र की करोड़ों की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। वही उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों और समस्याएं लेकर पहुँचे आवेदकों के साथ संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम के दौरान जहां उन्होंने विभिन्न विभागीय प्रदर्शनियों का अवलोकन किया, तो वहीं अधिकारियों को जनता के काम त्वरित रूप से निपटाने के निर्देश जारी किए। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर भी जमकर पलटवार किया। विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हालिया बयान को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों में टांग अड़ाने वाली भाजपा कांग्रेस सरकार को काम करना ना सिखाए। ऐसा है कि अनुराग ठाकुर जी को अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए, बेहतर रहेगा दूसरे के घर में टांग चांग करने से। वो अपने घर की तरफ ध्यान रखें और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की जो हिमाचल प्रदेश में सरकार है ये पूरी तरह मजबूत सरकार है, स्थिर सरकार है, टिकाऊ सरकार है। हमने पहले भी कहा कि कोई भी परिंदा इस सरकार को पर नहीं मार सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को आदत हो गई है कि अब लगातार जो है वो अस्थिरता की बातें करते हैं। दो ही काम हैं उनके पास, एक हिमाचल प्रदेश के फाइनेंसेस को अडंगा लगाओ, दिल्ली से पैसा ना आने दो। दिल्ली में बहुत हमारी योजनाएं हैं जिनमें अडंगे लगाए जा रहे हैं और उसमें कौन राजनेता शामिल हैं वो जो है समय आने पे पूरा सार्वजनिक कर दिया जाएगा, क्योंकि हम भी जाते हैं दिल्ली, हमें भी उस वहाँ का रास्ता आता है और हमें भी मालूम है कि किसने किसके कहने पे कौन सी स्कीम किस स्तर पे रुकी है। और ख़ासतौर पे पेयजल और सिंचाई की योजनाएं जो हैं लगभग 3,000 करोड़ रुपए की रुकी हुई हैं। पीएम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो पैसा रुका हुआ है वो किसने रुकाया हुआ है? कुछ लोगों को रुका के जो है मज़ा आता है, कुछ लोगों को काम करके मज़ा आता है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कोई भी ताकत हिमाचल के विकास को ग्रहण नहीं लगा सकती, और ख़ास तक जहाँ तक सिंचाई विभाग का प्रश्न है, हम चाहे आर्थिक स्थितियाँ जो भी रही हों लेकिन हम पैसे की कमी आने नहीं देंगे किसी भी हालत में। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज के दिन को आपकी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए आज सरकार आपके देंगे उनका समाधान भी करेंगे, तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ब्लॉक कांग्रेस कुटलैंड के अध्यक्ष श्री राम आश्रा जी, ब्लॉक कांग्रेस हरोली कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री उर्मी शर्मा जी और हमारे यहाँ स्थानीय लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राज्य पैटर्न रेड क्रॉस के श्री सुरेंद्र ठाकुर जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान श्री उपायुक्त श्री राघव शर्मा जी, आदरणीय एसपी महोदय श्री अजीत सेन जी, उपस्थित सभी
प्रधान श्री संदीप कुमार और समस्त पंचायत। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है, सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी, तो देर किस बात की। आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।